इस हफ्ते तो जैसे आईपीओस की लाइन ही लग गई है। हम कल ही आपके लिए फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस और आर्किन केमिकल इंडस्ट्रीज के आईपीओस का एक डिटेल्ड एनालिसिस लेके आए थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर चेक करें। और आज हम आपके लिए फिर से दो और आईपीओस का एनालिसिस लेके आए हैं जो थर्सडे और फ्राइडे को ओपन हो रहे हैं, केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड और आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। इस वीडियो में हम इन दोनों आईपीओस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना ज्यादा देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड से। इस आईपीओ में आप 10th ऑफ नवंबर यानी के थर्सडे से 14th ऑफ नवंबर यानी के मंडे तक अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी इस आईपीओ के थ्रू रेस फंड्स का यूज अपनी एग्जिस्टिंग बोरिंग्स को रीपे करने, अपनी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के एक्सपेंशन में, अपने सब्सिडरी के एक्सपेंशन में और अपने वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में यूज करेगी। केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया की लीडिंग एंड टू एंड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर है। आसान भाषा में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग से लेके सर्विसेज प्रोवाइड करने तक कंपनी की कैपेबिलिटीज अक्रॉस द लाइफ साइकिल अवेलेबल हैं। आज कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, प्रोसेस इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लाइफ साइकिल सपोर्ट प्रोवाइड करने में कंपनी का 3 decades से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। 30+ years के ऑपरेशंस में कंपनी ने लगातार अपनी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज बिल्ड की है और खुद को एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर से डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरह इवॉल्व किया है। इस एवोल्यूशन को सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो दरअसल पहले OEMs अपने डिजाइन इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर्स को देते थे, जो इन रिटर्न उस डिजाइन के हिसाब से रिक्वायर्ड पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करके या असेंबल करके OEMs को प्रोवाइड करते थे। अब यही कंपनीज अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करके जॉइंट डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग की सर्विस प्रोवाइड करने लगी हैं और इस बात को OEMs भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं। कंपनी अपनी सर्विसेज ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, डिफेंस एंड आउटर स्पेस, मेडिकल, रेलवेज और IoT, IT जैसी वेरिएड इंडस्ट्रीज में प्रोवाइड करती है। कंपनी ESDM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में एक लीडिंग प्लेयर है। केन्स टेक्नोलॉजी अपने कस्टमर्स को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और कंपनी अक्रॉस इंडस्ट्री वर्टिकल्स फ्लेक्सिबल वॉल्यूम्स में ऑपरेट कर सकती है और कस्टमर्स को हाई कॉम्प्लेक्सिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। कंपनी का बिजनेस मेनली 4 verticals में डिवाइडेड है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी कि OEM टर्नकी सॉल्यूशंस, जिसमें 2 sub-segments हैं, बॉक्स बिल्ड और PCBAs यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलीज। इस सेगमेंट में कंपनी PCBA और साथ ही साथ बॉक्स बिल्ड की कस्टमाइज मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके साथ साथ कंपनी टेस्टिंग हार्डवेयर जैसे कि ऑटोमेटेड टेस्ट इक्विपमेंट, फंक्शनल PCBA फिक्स्चर, प्रोडक्ट फंक्शनल टेस्टर्स एटसेट्रा जैसे प्रोडक्ट्स की कस्टमाइज डिजाइनिंग भी प्रोवाइड करती है। सेकंड हो गया आपका ODM यानी कि ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। इस सेगमेंट के थ्रू केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया की कुछ पहली ऐसी कंपनीज में से एक बन गई है जो OEMs को डिजाइन लेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करती हो। कंपनी अपनी ODM सर्विसेज ब्रशलेस ड्राइव टेक्नोलॉजी, स्मार्ट डिवाइसेस, कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजीज, IoT सॉल्यूशंस जैसे सेगमेंट्स में प्रोवाइड करती है। IoT Solutions, इस सेगमेंट में कंपनी अपने क्लाइंट्स को सेंसर्स, माइक्रोप्रोसेसर्स, सॉफ्टवेयर एंड कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके उनके लेगेसी OEMs के बिजनेस को स्मार्ट सिस्टम्स में ट्रांसफॉर्म करने में मदद करती है। और फोर्थ है प्रोडक्ट डिजाइन एंड इंजीनियरिंग। इस सेगमेंट में कंपनी फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल डिजाइन, इंजीनियरिंग सर्विसेज, प्रोटोटाइपिंग और रेगुलेटरी सर्टिफिकेशंस जैसी और कई सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का ऑलमोस्ट 90% रेवेन्यू OEM सेगमेंट से आता है, जिसमें अराउंड 62.81% कंट्रीब्यूशन OEM PCBAs बिजनेस का है और अराउंड 28.15% शेयर OEM बॉक्स बिल्ड का। ODM सेगमेंट से कंपनी अराउंड 3.94% रेवेन्यू अर्न करती है और रिमेनिंग 5.1% प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड IoT सॉल्यूशंस बिजनेस से। कंपनी की 8 manufacturing फैसिलिटीज हैं जो कर्नाटका, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तराखंड में लोकेटेड हैं। कंपनी की सभी फैसिलिटीज स्ट्रेटेजिकली उनके कस्टमर्स के पास लोकेटेड हैं, जो कंपनी को कॉस्ट एफिशिएंसी का बेनिफिट देती हैं। एज ऑफ जून 2022 कंपनी के पास 1500 million से भी ज्यादा कॉम्पोनेंट्स को असेंबल करने की कंबाइंड कैपेसिटी है। कंपनी के पास एक लार्ज कस्टमर बेस है जो अक्रॉस इंडस्ट्रीज और जियोग्राफीज डाइवर्सिफाइड है। इसके अलावा कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ एक लॉन्ग टर्म
रिलेशनशिप भी मेंटेन करती आई है। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो ग्लोबल ESDM इंडस्ट्री का मार्केट साइज 2020 में $804 बिलियन था, जो 5.5% के CAGR से राइज होके 2025 तक $1,000 बिलियन पे पहुंच जाएगा। वहीं इंडियन ESDM मार्केट का साइज फाइनेंशियल ईयर 21 में अराउंड ₹2,654 बिलियन था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 से फाइनेंशियल ईयर 26 के बीच 30.3% के CAGR से ग्रो होके ₹9,966 बिलियन पे पहुंच जाएगा। यानी कि केन्स टेक्नोलॉजी जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है वहां काफी फास्ट ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। जैसा कि हमने पहले ही देखा, ESDM की एप्लीकेशंस बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हैं, विद द हाईएस्ट शेयर ऑफ मोबाइल फोन इंडस्ट्री। इसलिए हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन सभी इंडस्ट्रीज में एडवांसमेंट्स के साथ ESDM की डिमांड भी बढ़ती ही जाएगी। चलिए अब कंपनी की की स्ट्रेंथ्स के बारे में एक बार बात करते हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ है उनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल, जिसकी एप्लीकेशन वेरियस इंडस्ट्रीज में है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी का रेवेन्यू मल्टीपल इंडस्ट्रीज से आता है, जो उन्हें एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के डाउन टर्न से प्रोटेक्ट करता है। कंपनी की एक और स्ट्रेंथ है उनकी कस्टमर्स के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स। कंपनी के पास कई ऐसे कस्टमर्स हैं जो उनके साथ 7 साल से भी ज्यादा समय से एसोसिएटेड हैं, और उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी के रेवेन्यू में 27.66% कंट्रीब्यूशन किया था। एज ऑफ जून 2022 कंपनी ने वेरियड इंडस्ट्रीज के अक्रॉस 229 कस्टमर्स को सर्व किया है, जो 21 डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा पिछले 3 फिस्कल ईयर्स में केन्स टेक्नोलॉजी के किसी भी कस्टमर ने उनके टोटल रेवेन्यू में 15% से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया है। ये उन्हें कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं इनके चैलेंजेस की। कंपनी के लिए एक चैलेंज ये है कि ESDM इंडस्ट्री हाईली कंपेटिटिव है। उन्हें बाकी इंडियन ESDM कंपनीज जैसे कि भारत FIH, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एम्बर एंटरप्राइजेस एक्सेट्रा से टफ कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है। इसलिए अगर उन्हें इस मार्केट में कंपेटिटिव बने रहना है तो उन्हें कंटिन्यूसली अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को रिड्यूस करने के साथ साथ अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज भी इंप्रूव करनी होंगी। ऐसे में कंपनी शायद ही प्राइसिंग पावर एंजॉय कर पाए। आइए अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो एक नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। ये जो टेबल आपको दिख रही है इसमें फिगर्स क्रोर्स में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। टोटल रेवेन्यू में हमें एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है ओवर द इयर्स। फाइनेंशियल ईयर 20 में ये 370.16 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में 424.63 करोड़ पे आ गया, और फाइनेंशियल ईयर 22 में हमें एक सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिल रहा है और ये 710.35 करोड़ पे आ गया। प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट में फाइनेंशियल ईयर 20 से फाइनेंशियल ईयर 21 में कोई खास फर्क नहीं है, ये 9.35 से 9.73 करोड़ हो गया। मगर फाइनेंशियल ईयर 22 में जैसे कि हमने रेवेन्यू में एक जंप देखा था, हमें प्रॉफिट में भी एक जंप देखने को मिल रहा है और ये 41.67 करोड़ पे आ गया। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 12%, नेट प्रॉफिट मार्जिन है 5.87%, EPS है 9.7 का, कंपनी का PE है 60.52 का। इंडस्ट्री के PE से अगर हम इसे कंपेयर करें तो इंडस्ट्री का PE है 87.59 का। डेट टू इक्विटी की बात करें तो ये 0.84 है। ROE है 24.5%, ROCE है 24.44%, 3-year sales CAGR है 24.68%, 3-year profit CAGR है 62.45%। इस IPO की ओपनिंग डेट है 10th of November 2022, इसकी क्लोजिंग डेट है 14th of November 2022 और ये लिस्ट हो रहा है 22nd of November 2022 को। इस IPO का प्राइस बैंड है 559 से 587 रुपीस पर शेयर का और इसका लॉट साइज है 25 शेयर्स का। इसका इश्यू साइज है 857.82 करोड़ रुपीस का, जिसमें फ्रेश इशू है 530 करोड़ का और बाकी का ऑफर फॉर सेल है 327.82 करोड़ रुपीस का। तो ये था पहला IPO और अब सेकंड कंपनी है आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। इस कंपनी के IPO में आप 11th of November यानी कि फ्राइडे से 15th of November यानी कि ट्यूसडे तक अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी इस IPO के थ्रू अपनी एग्जिस्टिंग डेट और बोरोइंग्स को रीपे करना चाहती है। कंपनी ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है और एक मेजर विंड पावर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस यानी कि ONM सर्विस प्रोवाइडर है। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज
सर्विसेज आईनॉक्स विंड लिमिटेड यानी कि IWL की सब्सिडरी है जो NSE और BSE पे ऑलरेडी लिस्टेड है। कंपनी आईनॉक्स GFL ग्रुप ऑफ कंपनीज का पार्ट है। कंपनी विंड फार्म प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म O&M सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसमें कंपनी स्पेसिफिकली विंड टर्बाइन जनरेटर्स के लिए ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आईनॉक्स विंड लिमिटेड यानी कि IWL की सब्सिडरी होने की वजह से आईनॉक्स ग्रीन सिनर्जी बेनिफिट्स एंजॉय करती है। IWL विंड टर्बाइन जनरेटर्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई में एंगेज्ड है। IWL और आईनॉक्स ग्रीन एनर्जी के बीच साइंड एक एक्सक्लूसिविटी अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग IWL द्वारा सोल्ड सभी विंड टर्बाइन जनरेटर्स यानी कि WTG के लिए O&M सर्विसेज आईनॉक्स ग्रीन एनर्जी ही प्रोवाइड करेगी। इसके लिए आईनॉक्स ग्रीन एनर्जी WTG परचेजर के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है जिसकी ड्यूरेशन 5 से 20 साल तक की हो सकती है। इतने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से उनके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम बनी रहती है। एज ऑफ 30 June 2022 कंपनी के O&M सर्विस पोर्टफोलियो में 1,396 विंड टर्बाइन जनरेटर्स हैं विद एन एग्रीगेट विंड फार्म कैपेसिटी ऑफ 2,792 मेगावाट। इसमें से 1,964 मेगावाट कॉम्प्रिहेंसिव O&M सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से हैं और रिमेनिंग 828 मेगावाट कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर O&M कॉन्ट्रैक्ट से। कंपनी कॉम्प्रिहेंसिव O&M सर्विस में अपने क्लाइंट्स को विंड फार्म और उनके कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जैसे कि इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन्स दोनों जगह पर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जबकि कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स में सिर्फ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ही कवर की जाती हैं। कंपनी मेनली 3 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। पहला ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस यानी कि O&M, सेकंड इरेक्शन प्रोक्योरमेंट एंड कमिशनिंग यानी कि EPC और थर्ड पार्ट जनरेशन। बेसिकली इन तीनों सेगमेंट के थ्रू कंपनी आज विंड फार्म के डेवलपमेंट से लेकर पावर जनरेशन तक के सारे बिजनेस सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है और इसी के साथ साथ कंपनी इन कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऑपरेशन और मेंटेनेंस की सर्विस भी प्रोवाइड करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में कंपनी के लिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू O&M से आता है, वहीं पावर जनरेशन कंपनी के टोटल रेवेन्यू में नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन करता है। हालांकि एक बात इंपॉर्टेंट है, December 2021 में कंपनी ने EPC बिजनेस को डाइवेस्ट करके अपने प्रमोटर की एक सब्सिडरी रेस्को ग्लोबल विंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया था। आईनॉक्स ग्रीन एनर्जी की प्रेजेंस इंडिया के कई स्टेट्स में है। उनके विंड पार्क कैपेसिटी पोर्टफोलियो का ब्रेकडाउन भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पिछले 9 सालों में कंपनी ने अपने आप को विंड एनर्जी O&M इंडस्ट्री में अच्छे से एस्टैब्लिश कर दिया है। 2013 से 2022 के बीच कंपनी का O&M कॉन्ट्रैक्ट्स का पोर्टफोलियो 40.16% के एक्स्ट्रॉर्डिनरी CAGR से ग्रो हुआ है। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ओवर द इयर्स इंक्रीज हुआ है और फाइनेंशियल ईयर 23 से फाइनेंशियल ईयर 27 के बीच पावर सेक्टर में ऑलमोस्ट 15.5 to 16 trillion रुपीस का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है। क्योंकि कंपनी पावर जनरेटर्स को O&M सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसलिए कंपनी को इस मैसिव इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट मिल सकता है। स्पेसिफिकली विंड पावर की बात करें तो यहां मैसिव कैपेसिटी एडिशन एक्सपेक्टेड है। फाइनेंशियल ईयर 23 से फाइनेंशियल ईयर 27 के बीच 15 GW से भी ज्यादा कैपेसिटी के विंड प्रोजेक्ट टेंडर्स एक्सपेक्टेड हैं। इसके अलावा विंड एनर्जी में O&M सर्विसेज की डिमांड 2016 से 2022 के बीच 6 to 7% के CAGR से ग्रो हुई है और आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे बढ़ते फोकस के चलते विंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एडिशन बढ़ेगा, जिससे O&M सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ सकती है। पिछले साल हुए COP26 ग्लोबल क्लाइमेट समिट में PM मोदी ने कमिट भी किया था कि 2030 तक इंडिया में 50% पावर रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट की जाएगी। चलिए अब कंपनी की की स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं। कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग एंड डाइवर्स पोर्टफोलियो बेस है। कंपनी के पोर्टफोलियो में 2,792 मेगावाट कैपेसिटी के विंड प्रोजेक्ट्स हैं जो 8 states में फैले हुए हैं विद एवरेज रिमेनिंग प्रोजेक्ट लाइफ ऑफ मोर देन 20 years। इसके अलावा कंपनी के कस्टमर बेस में 72% इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, 14% PSUs और 14% कॉर्पोरेट्स हैं। कंपनी के लिए सबसे पॉजिटिव फैक्टर है उन्हें मिलने वाला अपनी पेरेंट कंपनी IWL से सपोर्ट। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, कंपनी का IWL के साथ एक एक्सक्लूसिविटी अग्रीमेंट है और IWL खुद इंडिया के नोटेबल विंड टर्बाइन जनरेटर मैन्युफैक्चरर्स में आता है। IWL की ऑर्डर बुक स्ट्रांग है और उसमें कई नोटेबल कस्टमर्स हैं। इसके चलते कंपनी अपना पोर्टफोलियो अपनी पेरेंट कंपनी के साथ बिल्ड कर पाती है। अब बात करते हैं कंपनी की वीकनेसेस या उसके चैलेंजेस के बारे में। कंपनी के लिए एक थ्रेट है कि कंपनी, उनकी सब्सिडरीज, प्रमोटर्स और ग्रुप कंपनीज के अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स है। ये कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को टेक्निकली अफेक्ट करेगा ही, बल्कि मैनेजमेंट
मैनेजमेंट का फोकस भी डाइवर्ट कर सकता है और कंपनी के अगेंस्ट कोई भी जजमेंट उनके बिजनेस पे एडवर्स इम्पैक्ट डाल सकता है। एक और थ्रेट है कि कंपनी के ऊपर कई कंटिंजेंट लाइबिलिटीज हैं, यानी कि ऐसी लाइबिलिटीज जो फ्यूचर में किसी इवेंट के आउटकम के अकॉर्डिंग कंपनी को भुगतनी पड़ सकती हूँ। एज ऑफ 30th of June 2022 ये कंटिंजेंट लाइबिलिटीज कंपनी के नेटवर्थ का 29.79% बनती है। अगर इनमें से मेजोरिटी लाइबिलिटीज मटीरियलाइज हो जाती हैं तो कंपनी का बिजनेस और उसके ऑपरेशंस बुरी तरह से इंपैक्ट हो सकते हैं। चलिए अब नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। एक बार फिर से ये टेबल जो आपके सामने है ये क्रोर्स में दी गई है। सबसे पहले बात करेंगे टोटल रेवेन्यू की। फाइनेंशियल ईयर 20, फाइनेंशियल ईयर 21, फाइनेंशियल ईयर 22 में हमको जैसे कि दिख रहा है कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है फिगर्स में। ये 172.16 पे था और फाइनेंशियल ईयर 21 में ये 186.28 पे आ गया। फाइनेंशियल ईयर 22 में ये फिगर बढ़ के 190.23 करोड़ पे आ गया। बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जैसे कि हम देख सकते हैं तीनों ही साल में हमको लॉस का फिगर देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 21 में ये सबसे ज्यादा था, फाइनेंशियल ईयर 22 में ये लॉस का फिगर थोड़ा कम हुआ है। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 20 में ये 52.26 करोड़ का लॉस था जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में बढ़ के 153.66 करोड़ पे आ गया। फाइनेंशियल ईयर 22 में लॉस का फिगर रिड्यूस होके 93.15 करोड़ पे आ गया। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 26% पे। नेट प्रॉफिट मार्जिन जैसे कि आपको पता है कंपनी लॉस में है तो -48.97% है। ईपीएस हो गया -0.49, पीई रेशियो इज नॉट एप्लीकेबल। इंडस्ट्री का पीई है 19.5 का। कंपनी का आरओई है -11.55%, ROCE है -2.36%, 3-year sales CAGR है 5.07%। इस IPO की ओपनिंग डेट है 11th of November 2022, इसकी क्लोजिंग डेट है 15th of November 2022 और ये लिस्ट हो रहा है 23rd of November 2022 को। इसका प्राइस बैंड है 61 से 65 रुपीस का और लॉट साइज है 230 शेयर्स का। इसका इशू साइज है 740 करोड़ रुपीस का जिसमें से फ्रेश इशू है 370 करोड़ का और बाकी का ऑफर फॉर सेल है 370 करोड़ रुपीस का। तो ये था एक आने वाले इन दो IPOs का डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको ये रिमाइंड करवा दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती और मलयालम में भी ऐसे ही एजुकेशन और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोज पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोज देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.